तो चलिए बाबा, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज फेज टू का जोरदार समापन हुआ है। जितने भी कमीशन की डिग्री के बच्चे हैं, स्पेशली एनडीए की बात करूंगा मैं, सीडीएस की बात करूंगा, एफकैट की बात करूंगा, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने अपने बीएसटी मतलब बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रोसेस को कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि उनके ओआईआर टेस्ट और साथ ही साथ उनका पीपीडीटी की एक्टिविटी प्रॉपर कंडक्ट की गई, जहां बच्चों को समझाया गया कि आखिर स्क्रीनिंग राउंड का कितना महत्व है कमीशन की डिग्री के लिए, और स्क्रीनिंग होना आपकी जिम्मेदारी है और उसके लिए अभी से आपको काम करना होगा, बेहतर करना होगा। और बच्चों का भी एक बेहतर एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर के। साथ ही फेज टू के लिए जो भी हमारे नॉन कमीशन की डिग्री के बच्चे थे, अर्बन आर्मी ने भी, एयरफोर्स के बच्चे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से पीएफटी का पार्टिसिपेशन किया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें 1.6 किलोमीटर रेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स रहे, और साथ ही साथ उन बच्चों को मौका मिला अपने एसआरटी टेस्ट और जीडी टेस्ट से भी गुजरने का, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 से। बच्चों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है और इट वाज रियली ग्रेट। बस ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रहे, हर महीने आपको ये जबरदस्त मौका मिलेगा इस तरह की फेज टू एक्टिविटी को आने का। तो जितने भी देश में एमकेसी के बच्चे हैं या नॉन एमकेसी भी हैं, अगर वो डिफेंस एस्पिरेंट है तो एमकेसी परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार का हिस्सा है तो आपको अधिकार है इन इवेंट्स में आने का, फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतर करने का। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं और देखते हैं तेजी के साथ किस ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ बच्चे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार। मेरा नाम आरती कुमारी है और आज मैंने पहली बार फेज टू एनडीए का पीपीएनडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट दिया है। तो आज मेरे पहली बार दिया है तो मुझे ये पता चले कि हाँ मुझे कितनी सारी चीज़ें अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि तिवारी। आज पहली बार मैंने पीपीडीटी यानी कि एनडीए का जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट एसएसबी में इंटरव्यू होता है, आज मैंने पहली बार उसे फेस किया और मुझे पता चला कि मुझे उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो खुद में डेवलप करनी है, खुद को चेंज करना है, बिकॉज जब तक हम खुद को चेंज नहीं कर सकते तब तक हम उसके काबिल नहीं बन सकते। सो वी आर आज मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। जय हिंद गाइस, माय नेम इज कृति जसवाल, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट एसएसबी का मॉक टेस्ट था। वैसे सब कुछ ठीक ठाक हुआ, बट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया, काफ़ी ज़्यादा बोलने में ठीक लगा, एंड टीचर्स आर आल्सो सो सपोर्टिंग एंड दे वर एडवाइसिंग हाउ डू डू हाउ आई एम डूइंग और नॉट। और वैसे सब कुछ अच्छा है, यहाँ का टेस्ट भी देना चाहिए और एनडीए भी देना चाहिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है एंड वेरी प्राउडफुल एग्ज़ाम इज़ दैट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं बिहार से हूँ। आज मैंने यहाँ पे पीपीडीटी टेस्ट दिया है और मुझे ये पता चला है कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं और मुझे क्या डेवलपमेंट करना है। मुझे लगता है कि यह टेस्ट सबको देना चाहिए और इस टेस्ट के बारे में मुझे पता एमकेसी के ऑफिशियल साइट से चला है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुभव मिश्रा है, मैं एमकेसी में पढ़ता हूँ और जैसा कि सौरभ सर ने वीडियो डाली थी एनडीए फेज टू के लिए, वहाँ से मुझे एनडीए फेज टू का पता चला और
हमने गूगल पर जा करके फ्री मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन किया और यहाँ भारत स्काउट ग्राउंड पे सेकंड फिजिकल मतलब एनडीए फेज टू के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अंश प्रताप है और मैं एमकेसी के बारे में यूट्यूब में जाना और मेरा पहला फिजिकल टेस्ट है जो कि ओआर सीट में हुआ है। आज तक मैंने कभी नहीं दिया और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। थैंक यू।